कल महाराष्ट्र स्टेट कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में कुछ निर्णय हुए कि जिसकी मैं जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले कल जो है जरांगे पाटिल इनके साथ में बातचीत हुई। उस बातचीत करते समय फारूक अहमद और किशन चौहान ये दोनों मेरे साथ में थे, दोनों स्टेट कमेटी के मेंबर्स हैं। विस्तार से बातचीत हुई और विस्तार से बातचीत होने के बाद तय कर लिया गया कि ओबीसी समूह को जो है जो उम्मीदवारी नहीं दी जाती थी, जो गठबंधन उनके साथ में होने जा रहा है उसमें ओबीसी की गठबंधन होगी। दूसरा जो है मुस्लिम समुदाय जो समाज है उनको उम्मीदवारी नुमाइंदगी दी जाएगी, जैन समाज को भी वैसे उम्मीदवारी दी जाएगी। बदलाव की जो राजनीति है उस बदलाव के राजनीति को नए आयाम से शुरुआत करना, ऐसी वहां पर चर्चा हुई और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो गरीब समाज से हो और उनको ही अपन लोग आगे लाएंगे, ऐसी एक परिस्थिति हुई। पहले फेज के जो उम्मीदवार है वंचित के जो है उनका समर्थन जरांगे पाटिल का है। 30 तारीख को जो है उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से अपने लोगों के माध्यम से इलेक्शन में किस तरह हिस्सा लेना और उसमें क्या भूमिका लेना, इस पर जो लोगों से राय मांगी है इसलिए उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक अपन इसका फैसला ना करें तो अच्छा है। उस बात को हम लोग ने मान लिया है और 30 तारीख के बाद जो सीटें अभी हम लोग यहां पे अनाउंस करेंगे बाकी के सीटों पर जो है दोनों मिलके फैसला करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। दोनों की तरफ से किसी भी कैंडिडेट को प्रेस नहीं किया जाएगा कि यही चाहिए यही चाहिए, लेकिन जो साफ सुथरी है, गरीब है और उम्मीद रखते हैं कुछ करने का, इन्हीं क्राइटेरिया पे जो है वो उम्मीदवारी वहां पर दी जाएगी। जो लिस्ट है बाकी के सीटों का जो है वो 2 तारीख तक फाइनल हो जाएगी ताकि 4 तारीख के जो उम्मीदवार आखिरी दिन के जो उम्मीदवार है उनको फॉर्म भरने का मौका मिले, ऐसी एक परिस्थिति है।